हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल जेपी नर्सिंग गार्डन में। जैसा कि दोस्तों, पहले तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ इस चीज़ के लिए कि मैं रेगुलरली अपने इस चैनल पर आपको वीडियो के माध्यम से अपडेट्स नहीं दे पा रहा, ना ही कुछ गाइड कर पा रहा कि किस तरह से आपको पढ़ना है और किस तरह से अपने नोट सेट को क्लियर करना है। लेकिन दोस्तों, आज जो मैं आपके सामने इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। जैसा कि आपको पता है, नोट सेट 4 की काउंसलिंग का रिजल्ट कल आ चुका था, जिसमें से आधे बच्चे ही एम्स या सेंट्रल हॉस्पिटल को लेने में सफल हुए और आधी सीट वैकेंट रह चुकी हैं। जैसे कि मैं अपने सफदरजंग का ही बताऊं तो 211 यानी कि 211 सीट थी, जिसमें 135 लोगों ने ही सफदरजंग ले पाए हैं। तो इसी तरह से मैं आपको बताने वाला हूं कि नॉर्थ सेट 4 की काउंसलिंग कल हुई है और आज नॉर्थ सेट 5 का नोटिफिकेशन आ चुका है और इस बार नॉर्थ सेट अपने एक लेवल अप पहुंच चुका है। नॉर्थ सेट 5 में इस बार दो एग्जाम होने वाले हैं। दोस्तों ध्यान रखना, इस बार नॉर्थ सेट 5 में दो एग्जाम होने वाले हैं, प्रिलिमिनरी और उसके बाद मेंस। जो स्टूडेंट प्रिलिमिनरी को क्वालिफाई करेगा उसके बाद ही वो मेंस में अपियर हो पाएगा। तो दोनों का मैं आपको रूल्स बता देता हूँ। प्रीलिमिनरी में 100 क्वेश्चंस आएंगे, 90 मिनट्स के 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहेगी और उसमें यूआर और ईडब्ल्यूएस के लिए 50% मार्क्स क्वालिफिकेशन है, ओबीसी के लिए 45%, एससी एसटी के लिए 40%। जो बच्चे नॉर्थ सेट प्रीलिमिनरी को क्वालिफाई करेंगे, जिसका एग्जाम अपना 17 सितंबर को एग्जाम है और जो इस एग्जाम को क्लियर करेगा वो नेक्स्ट एग्जाम अक्टूबर में जो होने वाला जो मेंस एग्जाम है उसमें अपियर हो पाएगा। तो दोस्तों, नॉर्थ सेट अब अपने चरम लेवल पर पहुंच चुका है, बहुत ही अप लेवल करता जा रहा है नॉर्थ सेट। तो आप सभी भी अपने अपनी जो प्रिपरेशन है उसको एक लेवल अप कर दीजिए, अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट अप कर दीजिए। जो स्टूडेंट 6 घंटे स्टडी को दे रहा था, थोड़ा सा उसमें इजाफा कर दीजिए और स्टडी की बजाय स्मार्ट स्टडी पर फोकस कीजिए। दोस्तों मैं नोटिफिकेशन का साइड में आपको दिखा दूंगा किस तरह से नोटिफिकेशन आया है और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगी नोटिफिकेशन की, आप देख लेना नोटिफिकेशन को। लेकिन दोस्तों, अब तैयारी बहुत ज्यादा हार्ड करनी पड़ेगी आपको, और हार्ड नहीं, स्मार्ट स्टडी करनी पड़ेगी आपको। आपको उन चीजों पर फोकस करना पड़ेगा जहां से क्वेश्चंस मेजरली पिकअप होते हैं। और जो प्रीलिमिनरी टेस्ट होने वाला है वो इतना ज्यादा हार्ड लेवल नहीं होगा, थोड़ा सा लेवल मीडियम या फिर इजी और मीडियम के बीच का रखा जाएगा, जिससे कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स क्वालिफाई कर पाए और नॉर्थ सेट 5 के मेंस एग्जाम में उसको अपियर हो पाए। तो दोस्तों ध्यान रखना, आप अपनी तैयारी को कर लो मजबूत, हौसले कर लो बुलंद और अपनी तैयारी के साथ साथ स्मार्ट स्टडी पर वर्क कीजिए, क्योंकि इस बार नॉर्थ सेट 2 एग्जाम होने वाला है दोस्तों, प्रीलिमिनरी और मेंस एग्जाम दोनों का मैंने बता दिया। हाँ, मेंस एग्जाम में भी 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 क्वेश्चन 90 मिनट के 1/3 नेगेटिव मार्किंग के साथ, और वही जो फीस है 3000 अपने यूआर और ईडब्ल्यूएस की रहने वाली है ओबीसी की, और इसके अलावा एससी एसटी की 2400 यानी कि 2400 रुपये फीस रहने वाली है। और लेवल पे वही है, आपको पता ही है, 9300 से 34800 या फिर 4600 पे ग्रेड है, तो वो सारा कुछ आपको पता ही है। और जितने भी एम्स की जो भी लिस्ट है वो जल्दी आने वाली है कि कौन सी एम्स कितनी सीट आपको प्रेफर करने वाली है। और हाँ, जो ये सीट वैकेंट रह गई है, मोस्ट प्रोबेबली ये वैकेंट सीट नेक्स्ट नॉर्थ सेट में आपको देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों, बहुत गोल्डन चांस है आपके लिए कि जो नॉर्थ सेट 4 में क्वालिफाई नहीं कर पाए या कुछ मार्क्स से रह गए, उनकी तैयारी इस लेवल पे होगी कि वो नॉर्थ सेट 5 को बहुत अच्छे लेवल पर दे पाए। तो अपनी तैयारी में चूक मत करना, एग्जाम देते रहना दोस्तों, ठीक है। और कोशिश करूंगा कि जेपी नर्सिंग गाइडर आपके साथ इस नॉर्थ सेट 5 के सफर में बना रहे, आपको गाइड करता रहे किस तरह से प्रीलिमिनरी निकालना और किस तरह से आपको मेंस एग्जाम निकालना है, ठीक है। दोस्तों धन्यवाद।